आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं आचार्य श्यामानंद त्रिपाठी आज आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 दिन रविवार सुबह 10:21 से ग्रहण शुरू होगा। दोपहर 2:04 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। सूर्य ग्रहण से किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष सिंह तुला कुंभ वालों को भाग्य उदय होने वाला है। मिथुन राशि वालों का सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव रहेगा। सूर्य ग्रहण का दर्शन ना करें। जिस समय सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा हो उस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। 20 तारीख रात्रि में 10:45 से शुरू हो जाएगा सूतक। सूतक आरंभ होने से मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो जाता है। कपाट को बंद कर देना चाहिए और तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप सभी को घर में रहकर ग्रहण के दोष को ना देखते हुए भगवान का श्री रामचंद्र जी का बजरंग बली का स्मरण करते रहना चाहिए। मेष राशि का भाग्य उदय होने वाला है। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अकस्मात कहीं से धन प्राप्त होगा। आपके भाग्य में चमक पैदा होगी। आप अपने सभी कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। वृक्ष राशि की क्षति कुछ वृक्ष राशि का हानि भी होने वाला है, इसलिए वृक्ष राशि वाले थोड़ा सावधानी बरतें, क्रोध ना करें, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, बजरंगबली का माँ दुर्गा जी का स्मरण करते रहें, भगवान श्री राम का स्मरण करते रहें, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों के लिए घात है, सावधान रहें, उसको कुछ कलंक लग सकता है और आप हमेशा सावधानी रखें, क्रोध ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, सब काम प्रभु के कृपा से अच्छा होगा। कर्क राशि को हानि हो सकता है, कुछ व्यापार में धन हानि हो सकती है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए प्रभु का स्मरण हमेशा करते रहें जिससे आपका भाग्य उदय हो। सिंह राशि का भाग्य चमकने वाला है। सिंह राशि अपने आप में बहुत ही अच्छा है। क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आप सभी कार्य करेंगे तो सब काम इस साल अच्छा होगा। कन्या राशि को सुख मिलेगा,
सौहार्द मिलेगा, लोगों में सम्मान मिलेगा, आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ ऐसा कार्य आप करेंगे, आपका भाग्य उदय होगा। तुला राशि के लिए इस वर्ष में अपमान जनित होना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी, सावधान रहें, प्रभु का स्मरण करते रहेंगे, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्यादा कष्ट इस ग्रहण में आ रहा है, इसलिए महामृत्युंजय का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप आप लोग करते रहें। महामृत्युंजय का जप ऐसा है जिसमें मृत्यु से लड़ने की क्षमता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते रहें, सभी कष्ट प्रभु दूर करेंगे, धनु शारीरिक कुछ पीड़ा हो सकती है, इसलिए नियम संयम को बनाए रखें, खान पान का उचित आहार लें, समय से सोएं, समय से भोजन करें, प्रभु का स्मरण करते रहें, आपके लिए भी साल अच्छा होगा। मकर राशि वालों के लिए सुख पूर्वक ये वर्ष बीतेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीच में कुछ परेशानी भी आती रहेंगी, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग भगवान का स्मरण करते रहेंगे, जीवन सुखमय होगा, अच्छा होगा। हनुमान चालीसा को पढ़ते रहेंगे, सभी दोष काई की तरह छट जाएंगे। कुंभ राशि को इस वर्ष चिंताएं थोड़ा हो सकती हैं, चिंता के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने आप को सावधान रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, भोलेनाथ का स्मरण करते रहें, एक लोटा जल और चावल भोलेनाथ को अर्पित करें, आपका भाग्य अच्छा रहेगा, चिंता भी काई की तरह छट जाएगी। मीन राशि को व्यथा, मीन राशि को शारीरिक कष्ट होने वाला है, सेंदूर चमेली का तेल घी का दीपक मंगल मंगल को जलाते रहेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा, बजरंग बली आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगे, पल से पल में आपके भाग को चमक ला देंगे, इसलिए दुर्गा जी का मां जगत जननी का स्मरण करते रहें। रविवार का ग्रहण 21 जून 2020 का ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत मायने रखता है, इसमें भाग्य का उदय भी होगा और छह राशियां बकरी कर रही हैं। जय सियाराम, जय सियाराम।